शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ किसानों से। किसानों का मुद्दा हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर रहा है। किसानों का मुद्दा बीते कई महीनों से चल रहा है और किसानों की मांग ये है कि जो तीनों कृषि बिल जो लाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसको वापस लिया जाए। इसे किसान काला बिल कह रहे हैं। अब ऐसे में किसानों का समर्थन किया है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मोदी और शाह को घेरते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को दबाने की कोशिश मोदी और शाह के राज में की जा रही है, लेकिन किसान दबने वाले नहीं है और किसान अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। आपको बता दूं, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने किसानों को लेकर बात कही थी। सत्यपाल मलिक ने तो यहां तक कह दिया था कि भले ही उन्हें राज्यपाल के पद से हटा दिया जाए, लेकिन वो तब भी किसानों की तरफ बोलते रहेंगे। इसे कहते हैं सत्ता का लोभ ना होना, किसी पद का लोभ ना होना, किसी सीट का लोभ ना होना। इसे कहते हैं कि जनता के साथ मिलकर काम करना। सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं मेघालय के और साफ तौर पर वो किसानों के साथ पहले भी दिखते रहे। और वैसे आपको बता दूं, बीते दिनों पहले प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सामने आया था। प्रशांत किशोर ने भी इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी ऐसे बातें बोली थी जिसमें साफ पता चल रहा था कि इससे पहले भी, यानी मोदी सरकार से पहले भी, हमारे देश में कई सरकारें रही, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं देखने को मिली है। बीते दिनों हमने कुछ जानकारियां अपने दर्शकों को दी भी थी। और वैसे अगर मैं फिलहाल बात करूं तो किसानों की, तो किसान ये पहले ही कह चुके हैं कि वो तो पीछे हटने वाले नहीं। किसानों के नेता राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर उन्होंने भी कहा था, देश में चाहे जितनी स्थिति खराब हो जाए लेकिन वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, यानी कि वो सरकार को झुका कर रहेंगे। अब देखना ही होगा कि क्या किसान आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार झुकती है या नहीं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर बोला है और किसानों का समर्थन क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। वहीं अगर बात की जाए, किसानों के नेता राकेश टिकैत भी ये साफ कह चुके हैं, जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लेती तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसे में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी किसानों का साथ देते हुए कहा कि जिस तरह से किसानों को दबाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, ये कहीं भी सही नहीं है। वैसे आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ समय पहले भी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों का साथ देते हुए कहा था कि वो किसानों का समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि किसान देश के अन्नदाता हैं और सरकार किसानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है और किसानों की मांग ये है कि सरकार जो तीनों कृषि बिल लेकर आई है वो उनके खिलाफ है। इस कृषि बिल से ना सिर्फ उन्हें नुकसान होगा बल्कि उनकी फसल को भी नुकसान होगा, लेकिन किसानों की बात को केंद्र सरकार नहीं मान रही है और केंद्र सरकार लगातार ये बात कर रही है जो बिल किसानों के लिए लाया गया है वो काफ़ी हद तक ठीक है। वैसे आपको बता दूं, हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को किसान आंदोलन को लेकर लिखे एक पत्र में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह बताने की कोशिश की है कि वह गलत रास्ते पर हैं और किसानों को दबाने और डराने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, विधायक सांगवान ने पहले ही तीन कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में भाजपा जेजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। विधायक ने आंदोलन को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक को एक पत्र लिखा था। मलिक ने यह कहते हुए जवाबी पत्र लिखा कि उन्होंने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से कहा है कि किसानों को दिल्ली खाली हाथ ना भेजे। राज्यपाल ने लिखा, मैंने इस किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की और किसानों के साथ न्याय करने और उनकी वास्तविक मांगों को स्वीकार करने का सुझाव दिया है। मैंने बैठक में यह स्पष्ट कर दिया कि किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या दोबारा से कृषि कानून बिल पर विचार विमर्श करती है या नहीं। तो देखा आपने, सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर बोला है, किसानों का समर्थन किया। किसान जो देश का अन्नदाता है, जो देश के लिए अनाज उगाता है, आज अगर किसान नहीं होता हमारे देश में तो शायद अनाज लोगों तक नहीं पहुंच पाता। मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि दो महीने आगामी जो आने वाले दो महीने में महीनों के अंदर जो जिन लोगों को राशन मिला करता था, जो लोग राशन लेते थे, गरीब तबके के जो लोग हैं, उन लोगों को जो राशन मिलता था उनमें बढ़ोतरी की गई है।
यानी कि एक शख्स के ऊपर 5 किलो जो है वो राशन दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। यानी कि इससे उन गरीब लोगों को फायदा मिलेगा, जो गरीब लोग अभी फिलहाल परेशान बताए जा रहे हैं, जिस तरह से खाने की दिक्कत उन्हें आ गई है, तो ऐसे में उन गरीब लोगों को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो अनाज की जो बात की गई है, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, हालांकि केंद्र सरकार का फैसला बहुत अच्छा फैसला है और केंद्र सरकार के इस फैसले से बहुत सारे गरीब लोगों को फायदा भी मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वही केंद्र सरकार जो किसानों के खिलाफ लड़ रही है, जो किसानों के खिलाफ अड़ियल रवैया अपनाई पड़ी है, उसी किसान की वजह से ये अनाज आज हमारे देश में है। अगर वो किसान अपनी मेहनत करके अनाज नहीं उगाता, वो किसान अगर मेहनत करके खेती नहीं करता, तो शायद अनाज नहीं होता और सरकार इस तरह का फैसला नहीं ले पाती, क्योंकि हमारे जो सरकारी भंडार है उसमें अनाज की बहुत बड़ी उपलब्धता है और यही वजह है कि सरकार ने फ्री राशन की ये बात कही है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर बात की जा रही है, सरकार को अब ध्यान देना होगा, देखना होगा कि ये किसान जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत जाया ना जाए, इनकी मेहनत बेकार ना जाए, इस वजह से सरकार को अपने अड़ियल फैसले जो है उस पर रोक लगानी पड़ेगी और सरकार जो कदम उठा रही है उसको दोबारा से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए और तमाम क्या जानकारियां होंगी मैं अपने दर्शकों को पहुंचाता हूं। नमस्कार।